तू मेरा सर्वेरी, मेरा तो तेरा साल महीनों की तदा दिनों की हफ्तों और मिनटों और सेकंड की खुदा ने हद को मुकर्रर किया, कोई उस हद को पार नहीं सकता। इसलिए खुदा हुआ है वहां मरण पट्टी भी दूर करता है। इसलिए खुदा सारे मराहल में हम तेरी मदद को मांगते हैं, तेरे पापियों को मांगते हैं, अपने कादमों को खुदाबंद उनके मुंह में डाला है कलाम खुदा तसली के लिए रोल कुदस के वसीला इस्तेमाल करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कुरान फरमाता है क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में खुदा को देखूंगा, जिसे मैं देखूंगा और मेरी ही आंखें देखेंगी, ना के बेगाने। ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। खुदावन ने दिया और खुदावन ने ले लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। मेरी जवानी की खताओं और मेरे गुनाहों को याद ना कर, ऐ खुदावन अपनी नेकी की खातर अपनी शफकत के मुताबिक मुझे याद फरमा। अबदी खुदा तेरी सुकून बजा है और नीचे दायमी बाजू है। खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावन यीशु मसीह में है, उससे हमको न मौत जुदा कर सकेगी, न जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरतें, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। अगर हम जीते हैं तो खुदावन के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावन के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरे खुदावन जीते हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मुआ और जिंदा हुआ, ये मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावन हो। हमारे दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। हम सब मिलकर जबूर 23 की तलावत करें। हम सब मिलकर कहें, खुदावन मेरा चौपाल है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराहों में लटाएगा।
पाता है वो मेरी जान वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है, बल्कि खामौल के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे असा और तेरे लाठी से मुझे तसल्ली है, तू मेरे दुश्मनों के रूप रूप मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदा के घर में सुकून रखूंगा।